मैं परेशान हुआ कि आगे क्या करना है, तो मुझे रास्ता मिला तो मुझे लगता है वो रास्ता सबके लिए है, आपको कोई पता होना चाहिए। ठीक है, मैं अपने टॉक में तीन चीजों के बारे में बात करूंगा। मतलब पहली जो चीज मैं बात करने वाला हूँ वो वुमेन्स के बारे में, छोड़ा लगा है। आई टॉक अबाउट वुमेन रिवॉल्यूशन, ये थ्योरेटिकल रहेगा थोड़ा, जिससे आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे सुनने में और वो किस चीज है। दूसरी चीज मैं बात करूंगा कि जो अपना प्रॉब्लम है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें हैं जो अपन को डिसअपॉइंट कर देती है, तोड़ देती है लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम क्या है। देन वी थिंक कि आई विश आई न्यू कि मुझे काश पहले पता होता, वो काश वाली जो फीलिंग रहती है उसके बारे में बात करें। तीसरी चीज जो बात करेंगे लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉरवर्ड मींस ये तो है सबकी लाइफ में, उसके बाद क्या, देयर शुड बी समथिंग राइट, कि मैं आगे कैसे देखूं उस चीज को, यहां पे कुछ उसकी बात करेंगे। एंड देन विल कनेक्ट द थिंग्स अबाउट द एनवायरनमेंट एंड दोस थिंग्स। अभी ये जो तीनों चीजें हैं इनको अपन एक दूसरे से भी लिंक करेंगे कि इसके बारे में क्यों पढ़ना है, ये दोनों का डिफरेंट टॉपिक है बट ऐसा नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। सबको पता होगा, आप लोगों को पता होगा कि चलो वुमेन्स कैसे आते हैं, मतलब वो राम जी वाम जी वो सब नहीं, जनरली ह्यूमंस कैसे हैं, कैसे अपन लोग एवोल्यूशन हुआ। आप लोगों सुना होगा पहले आदि मानव थे, उससे पहले आपने सुना होगा मेबी एप्स थे, उससे पहले मेबी मंकीज हुआ करते होंगे, राइट। तो जब मंकीज थे तब ह्यूमंस नहीं थे, एंड मंकीज थे तब वो एनिमल्स थे, तो और भी बहुत सारे एनिमल्स थे लाइक डायनासोर्स थे, और मेबी बहुत सारे थे जो अभी नहीं है, राइट। मंकीज के साथ क्या हुआ, they becomes apes, they becomes आदि मानव, they becomes human, upgrade हुए, advance हुए, right? Animals के साथ क्या हुआ, they might die, right? क्यों die हुए? Exactly, natural calamities, volcano आया, पृथ्वी फटी या जो भी हुआ, lava generate हुआ and they died, food का problem हुआ होगा, weather change, rain हुआ, flood हुआ, बारिश आया, tsunami आया, they goes away. तो हम भी तो जा सकते थे, मंकीज भी जा सकते थे, राइट। वो लोग नहीं गए, क्योंकि एडवांस हो गए, क्यों वो कैसे हो गए थे एडवांस, ये सर टाइम चेंज हो रहा था इसलिए एडवांस बहुत जरूरी था। एग्जैक्टली, वो जरूरी था, वो जरूरी उनके लिए भी था, बट ह्यूमंस ने नहीं इसको आइडेंटिफाई करा होगा, राइट, कि टाइम चेंज हो रहा है, मुझे एडवांस होना है, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना बनाना है, मुझे खाना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसमें मैं जब जानवर खा रहा हूँ उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे, आप आग जलाना सीखेंगे, राइट। उन्होंने आग जलाना सीखा कि नहीं, आग जला के अगर मैं कुक करूंगा तो वो डिसीज फ्री होगा और मैं खा सकता हूँ, राइट। उनको ठंड लगी, उन्होंने बोला मेरे को कपड़े नहीं है, उन्होंने जानवर की स्किन को यूज करके कपड़े बनाए, बारिश हो रही है मुझे रहना है, उन्होंने घर बनाने शुरू करे, राइट। वो सब कैसे कर रहे हैं ये, लाइक इट्स अ इनसाइट्स, राइट, इंस्टिंक्ट है उनके अंदर, उसको अपन बोलते हैं, जो मैं बोलता हूँ ऑफकोर्स कई बुक में मिल सकता है, इसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्या कहता है, लुप्त होने का डर उसके लिए बचने का समाधान, राइट। आज आपको जरूरत है पानी पीना है, पानी नहीं होगा तो आप लेके आओगे उसे, राइट। ह्यूमंस का भी वही था, उनको नहीं पता था कि वो इतने अपग्रेड हो जाएंगे, राइट, नोबडी नोस, बट उनके अंदर जो एक चीज थी वो था ह्यूमन इनसाइट्स। ये समझ में आ रहा है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट क्यों हुआ। अभी मैं उसको एक बहुत बेसिक एग्जांपल्स और समझाना चाहता हूँ एक बार। जैसे अपन लोगों को वायरल होता है, राइट, वायरल होता है जिसको अपन COVID-19 का नाम दिया अभी रिसेंटली, उसके बाद क्या होता है, लेट्स से आपको वायरल हुआ आज, नेक्स्ट क्या होगा, अभी आपको अभी कोल्ड होगा, राइट, कफ आएगा, देन आपको वो तो बहुत एंड में होगा, राइट। नहीं, वायरल की बात कर रहे हैं, कोविड की बात नहीं कर रहे अभी, तो आपको पहले
रनिंग नोज और ये कोल्ड होगा कुछ राइट, फिर आपको कम आना शुरू हो जाएगा, फिर आपके बाद क्या होगा, नेक्स्ट के बाद अगर रिकवर नहीं हो रहे हो मे बी आपको फीवर आ जाएगा राइट, फीवर से भी रिकवर नहीं हुए देन मे बी आपको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगा या डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाएगा या फिर आपको लूज मोशन होना शुरू हो जाएगा, देन आप फाइनली रिकवर हो जाओगे ट्रांसफर से। सीक्वेंस ऑफ इवेंट देख रहे हो आप, ऐसा ही क्यों हो रहा है, आपको पहले वॉमिटिंग क्यों नहीं होगा, आपको रनिंग नोज पहले क्यों होगा, कोई भी चीज बताओ, फील फ्री टू टेल, बताओ कुछ भी। शुरुआत थी। उसने सोचा कि ओके इट्स अ फॉरेन पार्टिकल है, नोज से निकल जाएगा, नहीं निकला, कफ से निकल जाएगा, एडवांस हुआ राइट। फिर क्या हुआ, फीवर आया, फीवर से फीवर का एक्चुअली नथिंग है, वो बॉडी टेम्परेचर ऊपर लेके जाता है जिससे मे बी एक 40-45 के टेम्परेचर में जाके वो बैक्टीरिया मर जाए, चीजें गर्म करके चीजें मर जाती है राइट, वो स्टिल नहीं मर रहा है, मे बी वो वीक हो रहा है या कुछ तो हो रहा है, देन ही आस्क्स यू ड्रिंक मोर वाटर, मे बी फ्लो अवे through urine or through loose motions or through vomiting, then finally आप recover कर जाते हैं, right? क्या body वहीं पर रुक जाती है recovery के बाद? आप बस तो गए हो यार, survival हो गया आपका, then उसके बाद क्या होता है? weakness वो ठीक है, because you spent too much effort. आपका sir वैसे ही life में आधा दिन चल रहा है, उसके बाद continue close, आप सही बोल रहे हो, फिर क्या होता है? body एक immunity बना लेती है, right? immunity क्यों बना लेती है? उसको पता है कि ये आइटम नेक्स्ट टाइम भी मेरे अंदर आ सकता है, अब मुझे प्रिपेयर रहना है, तो नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा मे बी आप जो रनिंग नोज थी वो क्लोज हो जाएगा राइट, हाउ बॉडी तो वही थी बट उसने एक इम्यूनिटी बना, इट अपग्रेड इटसेल्फ ऑटोमेटिकली राइट, और सबसे पहले जब आप बीमार होते हो दिमाग काम करता ही है, आपको मम्मी की जरूरत ही पड़ेगी पानी पीने के लिए राइट, या जो भी साथ में होगा, दिमाग इज द फर्स्ट थिंग, बॉडी उसको बिल्कुल सेट कर देगी। अब ये सब एक्चुअली नेचुरली हो रहा है, अपन इसको नेचुरली बोल रहे हैं, पूरी साइंस लाइक आई एम ऑल्सो साइंस है, वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू रेप्लिकेट द थिंग्स इन द सिमिलर मैनर, मतलब हम लोग वही ऐसी चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे। ह्यूमन बॉडी क्या है, इट्स एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड राइट, कि बॉडी को आपसे नहीं पूछना कि अब ये हो रहा है मेरे साथ मैं क्या करूं, आपके कमांड का वेट नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली फाइट कर रहा। अपन लोग जो भी चीज डेवलप कर रहे हैं, जो कंप्यूटर को सही करने के लिए कोई आए रहे, अपन लोग कोशिश कर रहे हैं ऑटो रिकवर होना चाहिए राइट, हर एक टेक्नोलॉजी का। बट एनीवेज जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो ह्यूमंस के अंदर समथिंग है, था वो एट अ डीएनए लेवल में भी, आई डोंट नो मे बी एट अ सोल लेवल, बट वो है जिससे अपन अपग्रेड हो रहे, एडवांस हो रहे। अगर अपन पर्सनल लाइफ में जाए, अपनी खुद की लाइफ में अपने को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है राइट, जिसके ऊपर नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे कि प्रॉब्लम जो रहते हैं हमें, देन वी ट्राई टू से काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता है राइट, उस समय वो सर्वाइवल कहाँ चले जाता है। अपन लोग जो अपने को पता है अपन इतने एडवांस हैं, तो अपन उस समय वो भी नहीं सोचते कि ये तो अपन तो सर्वाइव कर ही जाएंगे यार, कितना भी वर्स्ट केस सिनेरियो आए यार, कुछ भी हो जाए मैं फेल हो जाऊं, मेरे को नौकरी से निकाल दें, या मेरे को जॉब ही नहीं लगे, या मेरे को पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है, बट मुझे वरी क्यों होंगे उस चीज को लेकर, आपके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। एक चीज कनेक्ट कर रहे हो आप लोग, जो आप वरी हो ना, ये आपका ब्रेन वर्क कर रहा है राइट, ये सब दिमाग से सोच रहे हो, और जो आप बीमार होते हो आप खुद बोल रहे हो कि दिमाग तो सबसे पहले बंद कर देता है। इट्स अ टू वर्ड एक्चुअली माई फील, ये टू वर्ड्स हैं जिसको अपन काफी लोग बोलते हैं, आपके पेरेंट्स बोलते हैं दिल की सुनो दिमाग की नहीं, दिमाग की सुनो दिल की, वो टू वर्ड्स हैं एक्चुअली, बट नोबडी नोस कि दिल क्या है दिमाग क्या है, यू हैव टू बी लाइक एक्सपीरियंस इनफ काम इनफ कि आप उसको डिस्टिंग्विश कर पाओ कि हाँ ये क्या मुझे किसका सुनना है किसका सुनना है। एनीवे इसको अपन एग्जांपल से समझेंगे, जो मैं प्रॉब्लम की बात करना चाहता हूँ, एक काल्पनिक पर्सन को लेके आएंगे अपन अपनी स्टोरी में, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, जो कि अपनी तरह ही होगा, मेरी तरह ही होगा, आपकी तरह ही होगा, उसकी जर्नी क्या होगी, वो पैदा होगा खेला कूदा देन ही स्टार्ट स्कूलिंग राइट, ये नहीं होता सबके साथ।
आप लोगों को कभी थॉट आया ना मेरे टॉक्स के बीच में तो प्लीज फील फ्री, मैं भी आप लोगों को सीखूंगा, मैं भी अपना करेक्ट करूंगा। तो एक पर्सन है इसको अपन ये नाम देते हैं, he is born was then he started the schooling right, maybe here he was LKG right, वो जर्नी करेगा maybe 10th में आएगा right, then वो 12th में आएगा, then उसका कॉलेज लाइफ चलेगा right। जब वो LKG में एंटर करता है थीम क्या है उसके माइंड में, क्या होता है खाओ पियो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ गया, अब क्या होगा उसके माइंड में, पढ़ाई करेगा, किस चीज गोल करेगा उसका पढ़ाई का, इजी लेगा वो, चलो ठीक है, अब उसको फैमिली वाले पुश कर रहे हैं, किस चीज को पुश करेंगे कि भाई तुम्हें 10th पास करना है, वो तो अल्टीमेट गोल हो गया, जैसे आप इस क्लास में हो तो आप क्या करना चाहोगे कि आपको अच्छा लाना है मार्क्स। अब अच्छे की डेफिनेशन क्या है यार, उसको सिर्फ ये बोला जाएगा तुम्हें रैंक लानी है फर्स्ट क्लास में, अब जो फर्स्ट रैंक है उसके 60% आ रहे हैं वो 62 ट्राई करेगा, 70 आ रहे हैं वो 72 ट्राई करेगा, 80 आ रहे हैं वो 82 ट्राई करेगा, 90 आ रहे हैं, आपका कुछ वो है ही नहीं उसमें यार इनपुट राइट, आप केवल एक रेफरेंस को लेकर बीट करना चाह रहे हो राइट, सारी क्लासेस सेम होंगी, सिलेबस चेंज होता जाएगा, थीम सेम रहेगा, आप हमेशा रैंक के लिए हिट करोगे, रैंक के लिए हिट करोगे। 10th में आ गए, अब इस पर्सन जब ये 10th पे पहुंचा, ये तो उसी थीम में ना यार, इसको फर्स्ट रैंक लाना है, इसको सेकंड रैंक लाना है, थर्ड रैंक लाना है, 10th के बाद क्या होगा, उसको बोलेंगे यार तुम्हें सब्जेक्ट चूज करना है, he has no clues, भाई ये क्या होता है, क्या करूं मैं, सबके साथ होता है राइट, मेरे साथ भी हुआ था, उसने क्या करा 10th में, मेरा फ्रेंड ये ले रहा है, मैं भी ले लेता हूँ यार, या फिर उसके घर में कोई होगा गाइड करने वाला, मे भी अगर वो लक्की होगा तो मैं तो नहीं था, वो कोई होगा तो वो बता देगा नहीं तो एक काम कर इंजीनियर बन जा, उसका भी कोर्स में कुछ नहीं चल रहा है, उसने 10th में इंजीनियरिंग ले ली, सॉरी मैथ्स ले, 11th में आया, 11th में क्या आया, फिर से वही थीम है उसको, भाई टॉपर टॉपर बनना है उसको तो क्लास का, वो पढ़ रहा है, इलेवेंथ में वो फिर से टॉपर बन रहा है, अभी जब 11th क्लास कराया उसने, अब उसको 12th में वही चल रहा है उसको कि नहीं मेरे को परसेंटेज लाना है, दैट्स इट, उसको किसी ने पूछा 12th के बाद क्या क्या होता है, आप लोग बताओ क्या होता है 12th के बाद, कॉलेज, सुबह कॉलेज करूंगा, लेकिन कौन सा कॉलेज, ये तो मुझे नहीं पता, मैं तो 12th के परसेंट लाऊंगा पहले, ठीक है परसेंट लाओ, मैं बोला एग्जाम होता है 12th के लिए बाद, अगर उसमें मार्क्स आते तब कॉलेज मिलता है, 12th में कितने भी आ जाए, तो फिर मतलब मेरी जो थीम थी कि मुझे टॉपर बनना है वो तो गलत हो गई ना, मुझे ये बताते ना कि मुझे उतना पढ़ना है कि मैं वो एग्जाम निकाल पाऊं, ठीक है उसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं मेरे पास है एक साल है मैं एग्जाम दूंगा यहाँ पर और कॉलेज लूंगा, उसने बोला तो आता क्या एग्जाम में, उसने बोला 2 साल का आया 11th 12th, इलेवंथ मैंने पढ़ ली ना मैं टॉपर था, मैं काम करता हूँ पहले 11th को मैं क्वेश्चन देखता हूँ, उसने क्वेश्चन देखा भाई क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, वो नंबर के लिए पढ़ रहा था, और जो आप नंबर के लिए पढ़ते हो जो एग्जाम में जो कंपटीशन में आता है उसको सिलेबस ही अलग हो जाता है एक तरीके से, अब वो बंदा भाई डिसअपॉइंट हो चुका है बिल्कुल, क्यों उसके पास एक साल है उसको 12th में भी नंबर लाने हैं, उसको 11th का कंपटीशन वाला ही पढ़ना है और 12th का कंपटीशन वाला ही पढ़ना है, उसको एक साल में 3 साल का कोर्स करना है, आपको पता है क्या बैठ के सोच रहा है, आई विश आई न्यू, काश मुझे 10th में पता होता कि ऐसा होता है राइट, अभी वो आके तो सोच ही नहीं रहा, अब वो सोच रहा है कि काश उस समय मुझे किसी ने बता दिया होता, उसने कि चलो ठीक है यार मूव ऑन करते हैं और मेहनत करते हैं, वो मेहनत कर रहा है उसने एक साल पूरा मेहनत कर चुका है वो, अब 12th में क्या होता है अगर आप लोगों को सबको पता होगा, अब तो एक होने लगा है, पुराने जमाने में बात करें तो एक सेंट्रल का एग्जाम होता था जिसको अपन IIT बोल देते हैं, अब तो दो ही रहते हैं, एक होता है स्टेट का एग्जाम उसको हम PD बोलते हैं, ठीक है स्टेट का मतलब तुम्हें स्टेट के कॉलेज मिल जाएंगे और IIT लोगे तो IIT तो IIT है, अब ये बंदा जो डिसअपॉइंट हो गया वो क्या है कौन सा एग्जाम देगा, दे तो वो दोनों देगा चलो, उसके अंदर की फीलिंग क्या होगी उसको क्या देना चाहिए स्टेट का राइट, उससे नीचे कुछ है नहीं ना, कभी उसको स्टेट का देना पड़ेगा क्योंकि उसने बोला मेरी पढ़ाई तो है नहीं चाहे उसकी कितनी भी हो पढ़ाई, उसको खुद को पता है कि जो मेरे बंदे थे 10th में वो लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, क्योंकि कोई कोटा गया है कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है, मैं तो अभी स्टार्ट भी नहीं कर रहा हूँ यार अपनी जर्नी, मेरे को तो किसी ने बताया ही नहीं, तो डिसअपॉइंट है उसने स्टेट का एग्जाम दे रहा है,
उसने आईडिया फॉर्म ही नहीं बनाया, स्टेट के बाद उसके मार्क्स आ गए कुछ, तो कॉलेज ले लिया, कॉलेज में एक दो तीन चार साल देखा, जर्नी स्टार्ट करी। अब यहाँ पे भी एक पॉज है लाइफ में यार, एग्जाम आ गया, अब उसके अंदर चार स्ट्रीम है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल है, मैकेनिकल है, और भी बहुत है, बट अब उसका उसको फिर नहीं पता मैं क्या करूँ यार, समझ रहे हो? तो एजुकेशन में जो थीम चला आ रहा है और जो लाइफ में उसके ऑब्स्टिकल आने वाले हैं वो अलाइन ही है यार, समझ रहे हो? उसको पता ही नहीं है किसने ये सब होने वाला है, उसको उसी दिन पता चल रहा है सब। अब उसके अंदर इस पॉइंट पे एक तो दिक्कत उसको फील हो रहा है यहाँ पर कि काश मुझे पहले कुछ बता देता, राइट? अब वो कॉम्प्रोमाइज करके ये एग्जाम दे रहा है, यहाँ पे उसके कुछ फ्रेंड आईआईटी निकाल के उनकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, वही बच्चे जो उसके साथ पढ़ रहे थे, राइट? उसका खुद का डिमोटिवेशन तो है ही, दूसरा और कुछ पैरेलल स्टडीज को कंप्लीट कर रहे हो कि आप आपकी एजुकेशन वही है ना कि आपको उसको बीट करना है, आप अपने लिए पढ़ ही नहीं रहे हो, आप उसी थीम में जा रहे हैं। यहाँ पर आके उसने भी अब उसको नहीं पता क्या करना, उसने चलो मैं ये देता हूँ, किसी ने बोला ये अच्छा है। अब यहाँ पर भी कुछ लोगों ने ये लिया होगा, कुछ लोगों ने ये लिया होगा, कुछ लोगों ने ये लिया होगा, राइट? उसके रेफरेंस पॉइंट उसके बढ़ते जा रहे हैं लाइफ में यार। मतलब वो पहले जो क्लास थी 40 लोगों की जिसमें उसको 40 में से फर्स्ट आना था, अब वो 400 हो गए, 4000 हो गए, 400000 हो गए, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहा है। ठीक है, वो चल रहा है, थोड़े देर के लिए उसको मिटा दूंगा। ये जो उसने ले लिया पहला साल इजी, दूसरा साल इजी, तीसरा साल इजी, चौथा साल इजी, जैसे तीसरा साल आ रहा है उसको क्या दिख रहा है? जॉब किसमें है? कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, भाई उसको फिर से लाइफ में टेंशन हो रहा है यार, ये बंदा जो यहाँ पर था ये तो भूल ही जाओ, ये तो अलग ही लेवल पे है ना, गॉड लेवल पे है। ये जो बंदा है कह रहा है ये भी मुझसे आगे निकल रहे हैं, और मैं तो क्या करूं, मैं क्या करूं, तो मैं ये भी पढ़ रहा हूँ अब, और वो कुछ और भी चीजें पढ़ रहा है। मतलब उसका रास्ता जो ये होने वाला था वो टेढ़ा मेढ़ा होता जा रहा है, उसको जो दिख रहा है वो करता है। यहां तक आते आते वो कंप्यूटर साइंस पढ़ लेगा बंदा, कि नहीं यार मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ता हूँ, एक उसकी उम्मीद अधूरी रह गई है कि उसको आईआईटी भी करना है। अब क्या कर रहा है, उसकी यहां पर आ रहा है, उसकी जॉब नहीं लगी है, क्योंकि उसने पढ़ा तो है बट इतना नहीं पढ़ा है जितना इसने पढ़ा है, और जो उसने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है वो भी इतना नहीं पढ़ा है क्योंकि वो पढ़ रहा था, समझ रहे हो? यहाँ पे आकर उसने बोला नहीं यार मैं एक और एग्जाम दूंगा, मेरे को आईआईटी वाला, 12th वाला मेरी अधूरी इच्छा थी, मेरे को आईआईटी में जाना है, मैं आईआईटी जाऊंगा। वो आईआईटी चला गया, क्यों गया? एमटेक करना, राइट? अब इस पॉइंट पे आप ये चीज देख रहे हो, ये बंदा कहाँ होगा, उसका करियर तो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, राइट? स्मूथ जा रहा है वो। कुछ ये बंदे थे जो यहाँ पे थोड़े परेशान हुए थे, लेकिन देन उनका भी स्मूथ चला गया, उनको भी जॉब मिल गया, उनकी लाइफ चल रही है। इस बंदे का यार बड़ा परेशानी है, इसको इसको खुद ही नहीं पता उसको लाइफ में क्या करना है। अब आईटी मिल गया, आईटी मिलने के बाद भी जॉब तो सबको नहीं मिलता ना यार। अब उसके साथ वो बंदे भी आईआईटी के जो बीटेक कर रहे थे, जो यहां से इधर थे, इन्होंने यहां पे आईटी स्टार्ट करा, उन्होंने कहीं पे यहां पे स्टार्ट करा, उनका कहीं और स्मूथ जा रहा है, तो आईआईटी में मल्टीपल प्रैक्टिस, वो सब देख रहा है चीजें, इस फीलिंग क्या मुझे क्या करना है, वो अगेन यहां पे मल्टीपल चीजें कर रहा है लाइफ में, स्टेट तो जा ही नहीं पा रहा ना, उसके पास कुछ है ही नहीं। बट आपने एक चीज देखी, इसमें इसमें और इसमें कुछ इन लोगों में इसमें कुछ डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, जो जो भी लोगों ने टॉप करा है ना उसको सोचो दिमाग में वो क्या रहा है, उसका गोल सीधा है। अब इसको अगर मैं यहां बैठा हुआ अगर मैं इस एंगल से देखूं, उनका उसका गोल सीधा है कि उसका लक अच्छा है, क्वेश्चन है, राइट? वो स्टोरी का आंसर पता कब आएगा? कल अपन देखते हैं इसका हुआ क्या, राइट? अगर ये बंदा फेल हो गया, उसका लक अच्छा है, इसका बैड लक है, राइट? अगर ये बंदा उन सबको बीट कर गया तब क्या बोलोगे? उसका लक अच्छा है, लक बोलोगे इसको, किसका हार्डवर्क बोलोगे? यही प्रॉब्लम है यार, अपन लोग अपन लोग क्या डिफरेंशिएट करने की, अपन लोग कंपेयर करना चाहिए अपने, समझ रहे हो? अभी मैं आप बोलूँ इसको जज करो बंदे को, आप बोल ही नहीं सकते गुड लक है, इसका हार्ड वर्क है, गोल क्लियर है, पता नहीं इसकी स्टोरी में जैसे लेके आ रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि हाँ यार इसने हार्ड वर्क करा, उसने नहीं करा,
आईडी क्लोज करा यार, इसको आप कैसे करो, उसमें आरोप नहीं करा। अपने स्टोरी में हमेशा रेफरेंस पॉइंट रहता है बिकॉज नहीं एजुकेशन का थीम ही वही चला रहा है जो मुझे लगता है। अगेन मैं जज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हुआ क्या इस बंदे के पास, जो मैं बोलना चाह रहा था, ये जो हो रहा है ना इसके साथ ये हो रहा है, वो जिंदा रहने के लिए लड़ रहा है उसका, समझ रहे हो, नेचुरल आ रहा है उसका, उसका दिमाग तो चाहे काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि दिमाग काम करता तो यही नहीं होता ना, वो उसका तो नेचुरल ही हो रहा है ये सब। इवेंचुअली क्या होता है ना, यहाँ पर आके थोड़ा स्टोरी वही गया तो थोड़ा हैप्पी एंड करते हैं इसका। ये बंदा ऑसम जा रहा है, ये बंदा ऑसम जा रहा है, ये आई टी के जो बंदे थे ये भी ऑसम जा रहे हैं, अच्छा पैकेज, एवरीथिंग इज फाइन, एक जॉब लग गया है, कंप्यूटर बैठे काम कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं। इस बंदे का जो जॉब लग रहा है ना, अब उसका जॉब भी ऐसा नहीं लगा कि स्मूथ टाइप, उसका जॉब भी ऐसा लगा है कि वो कुछ कर सकता है उस जॉब में, उसका इस टाइप का दिमाग है और उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है, उसने स्टार्ट कर दिया अपनी जॉब। लकली उसकी जॉब में उसके साथ क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी तो काम है, उसको ऐसी टेक्नोलॉजी में डाला है जो स्पेसिफिक है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर इसका एजुकेशन कैरियर थोड़ा अप डाउन चल रहा है, पर ये बंदा ये काम कर सकता है। इस बंदे को अगर मैं कुछ ऐसा इजी सा काम दे दूंगा तो ये भी ये लोग नहीं करेंगे, मतलब टैलेंटेड है, उनका दिमाग चल रहा है, इसका दिमाग ही नहीं चल रहा, ये सब करेगा तो हार्ड वर्किंग है भाई, बचपन से करता हूँ यार। इसका जॉब लग रहा, उसको ताइवान भेज रहे हैं, उसको अच्छा जॉब लगा, उसको ताइवान में जाने को मिल रहा है, सिंगापुर जाने को मिल रहा है, उसको मल्टीपल कंट्रीज में जाने को मिल रहा है, मल्टीपल लोगों से मिलने को मिल रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं है उसकी, क्योंकि उनको कंपनी ने किसने लिया कि नहीं यार उसको अगर हाई टेक्नोलॉजी में डाल देंगे बंदा टिकेगा ही नहीं, राइट। ये बंदा हार्ड वर्क करता हुआ इसको ऐसी जगह डाल, बट उसके अंदर क्या है, उस पर्सन का अगर आप देखो उसको बहुत सारे डिमोटिवेशन, एक तो यहाँ पर था कि उसको आई टी मिला तो उसने आई टी में गया, दूसरा वो यहाँ पर खड़ो के इनको देख रहा है कि यार ये लोग यार कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं यार, और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया था यार, मैंने कंप्यूटर साइंस ले लिया था, वो इसके साथ साथ वो पढ़ भी रहा है, मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसके कुछ ना कुछ बहुत अधूरे रह चुके हैं। इवेंचुअली जॉब अच्छा है उसका, जॉब छोड़ता है, वो वही करता है जॉब ये करता है। अब उसकी जर्नी आप देख रहे हो, सक्सेसफुल है पर्सन, कोई दिक्कत नहीं उसके साथ, उसके पास जॉब है, इनसे पैसे कम कमाता होगा, लेकिन आज वो उस टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहा है, जो ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, उसको दुनिया भर की अलग टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज है, राइट। अब आप मुझे बताओ कौन सक्सेसफुल, सक्सेस की तो बात ही नहीं करते, एवरीवन इज सक्सेसफुल, राइट। अब आप मुझे बताओ कि आपकी इस मूवी में हीरो कौन है, एक पर्सन इसको नाम दिया करते हैं, इसको अपन बी देते हैं, इसको अपन सी देते हैं जो कॉलेज से चला रहा है, तीन ही लोगों की बात करते हैं, ए चलो नहीं आप भी अच्छा है यार, स्मूथ चल रहा था यार, बट वो सक्सेस हो गया राइट, तो अपने अपना थिंग ही चेंज हो गया राइट। अगर आप यही बोलते कि उसकी जॉब नहीं लगी, घर पर आया मोबाइल की दुकान डाल दी उसने, उसने हार नहीं मानी चाहे, लड़ता रहा, सुना जो होगा देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा, दिस थिंग्स एग्जिस्ट एक्चुअली, ये सच्ची में होती, मैं वो बताना चाहता, इतने रास्ते आए, इतना कठिनाई आई, बट सक्सेसफुल हो गए। कुछ पूछना है इस पर आपको, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, कुछ आउट ऑफ तो नहीं आ रहा ना, इसी को कनेक्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से कि करना क्या चाहिए लाइफ में। उसके पास तो इतने कास्ट है, इट्स सेम नहीं कि जैसे आप स्टेशन पर जाओ राइट, ट्रेन छूट गया तो क्या आपको पता ही नहीं था ट्रेन का क्या होता है, बस से जाएंगे राइट, अल्टरनेटिव ढूंढ लोगे या फिर एक घंटा खड़ा हो गया दूसरी ट्रेन मिल जाएगा, वो क्या आपको पता है कि नेक्स्ट है, आपको डिसअपॉइंट होगा, काश मुझे यार पहले कुछ बता देता, 10 बजे ट्रेन है, बस 9:30 बजे नहीं जाता वहां पे, मैं 10 बजे क्यों जाता राइट, एक काश तो रह जाता, लेकिन इतने डिसअपॉइंट नहीं होते राइट। सेम यार लाइफ इज ऑल्सो सेम,
सफर नहीं होना है कभी, होना ही क्यों है, अपने अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ना यार, बट आपने डिसअपॉइंट इसलिए होता है क्योंकि पता नहीं होता नेक्स्ट क्या, अपने पास गाइडेंस नहीं होता, आपको बताने वाला कोई नहीं होता, वो भी उस पर्सन के साथ भी था, उसको बताने वाला कोई नहीं था, बट ऐसा नहीं है कि कोई बताने वाला नहीं है तो इट्स द एंड ऑफ द लाइफ, क्योंकि लाइफ अपने आप ही रास्ता ढूंढ ही लेगी ना यार, कुछ अल्टरनेटिव आपके दिमाग को पता है कि बस होती है, दूसरी ट्रेन होती है, तो आपका दिमाग ने तुरंत आंसर दिया आपने कि चलो ठीक है सिक्योर है, अब जो डेटा दिमाग के पास ही नहीं है वो फिर तो बॉडी जनरेट करेगी ना, उसे इम्यूनिटी बनाएगी ना आपके लिए, लड़ने की ताकत बनाएगी ना आपके लिए, आपके लिए रास्ते खोलेगी ना, इस पूरी बॉडी दैट इज वुमन, और ये होता है, इट्स अ रियल स्टोरी एक्चुअली, ये जो इसकी बात करो ये मैं ही हूं एक्चुअली, काल्पनिक पर्सन नहीं है वो, दिस इज माय रियल स्टोरी कि कितने चैलेंजेस थे मेरे साथ, मुझे पता है मेरी चैलेंजेस, मुझे भी पता था क्या करना है यार, बट आज मैं खुश हूं, नॉट बिकॉज मनी मैटर नहीं करता, मैं खुश इसलिए हूं कि मैं आज वो सब चीजें कर रहा हूँ जो मेरी इच्छाएं थी, जो आईटी में जाना था मैं किया, इस बंदा कोडिंग कर रहा था मुझे कोडिंग करना था मैं करा, वो डेटा पे काम कर रहा था मैं आज खुद डेटा साइंटिस्ट हूँ, मैंने अब मैनेजर स्किल सीखे तो मैं मैनेजर रोल में भी गया, तो लाइफ में ये चीजें पता है मिल जाती है, मैंने कभी 10 साल पहले नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर होऊंगा, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है, मुझे 12th के बाद एग्जाम का नहीं पता, मुझे 10 साल के बाद का क्या पता होगा, राइट, मे बी आप लोगों को सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि काश ऐसा हुआ था, मे बी आप लोग ब्लेम भी करते होंगे, राइट, जैसे कि आप किसी को 10th में जाना है, किसी को कॉमर्स ले लिया, बता रहे यार मैं काश मैथ्स ले लेता, मेरे साथ कॉमर्स वाले बनते हैं जो डेटा काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, करना था, उनकी फीलिंग हर्ट हो गई थी कि 10th में उन्होंने मैथ्स ले लिया, वो बीकॉम के बाद इंजीनियरिंग वाला काम कर रहे हैं, पैसे कम मिलेंगे क्या दिक्कत है, पैसे कैसे देते, खाने दुकान है मुझे, मुझे पैसे तो रेफरेंस हो गया ना कि उस पर ज्यादा कम उस पर कम है ना, ये तो कम की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है ना, एग्री राइट, उसके पास वो था, वो लोग भी वो कर रहे हैं, तो कभी दुनिया में ये नहीं होता कि काश वैसा हो गया होता, आप उसको फिर से कर सकते हैं, इट्स नॉट मैटर ऑफ एक दो साल आगे है एक दो साल पीछे, आप उस चीज को मीट कर ही सकते हैं, समझ रहे हैं, रिलेट कर पा रहे होंगे अपनी स्टोरी से, मे बी तो मे बी अगर कहीं ना कोई डिसअपॉइंटमेंट है दे, आगे बढ़ने की कोशिश करो, आगे देखो बहुत अपॉर्चुनिटी है, जिसके बाद बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे इसके बाद, ये सब तो हो गया, नाउ थर्ड टॉपिक इज लुकिंग फॉरवर्ड, भाई क्या करना है, क्या करना है, तो कुछ तो बोलो, जॉब करनी है वो ठीक है, इसको अपन ऐसे देखते हैं, जो एजुकेशन सिस्टम था और जो उसको जॉब मिला क्या वो अलाइन थे, शायद नहीं थे, राइट, वो जो पढ़ रहा था अगर वो पढ़ रहा होता तो उसके कॉम्पिटिशन में मार्क्स आ ही जाते ना, उसको कुछ और क्यों पढ़ना पड़ा, और अगर उसको चलो कुछ और पढ़ना था तो उसको पहले क्यों नहीं पता था, क्या उसका बड़ा भाई नहीं था इसलिए, या उसके फादर लिटरेट नहीं था इसलिए, या उसका ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं था इसलिए, बट ये तो एक्सटर्नल हो गया ना यार, फिर मैं एजुकेशन जो कर रहा हूँ वो गलत, कुछ तो बड़बड़ है ना यार, अगर मेरे को बड़ा भाई चाहिए, मेरे फादर लिटरेट चाहिए, अगर मेरे को सोसाइटी से चाहिए तो फिर मैं एजुकेशन क्यों चाहिए, राइट, ये सब एक साथ होना चाहिए, राइट, जब मैं भी 12th में था, सॉरी जब मैं बीटेक में था मेरी जॉब नहीं लगी, देन आई थॉट कि यार जॉब नहीं लग रहा है तो अपन ब्लेम करते कि यार मुझे गाइड नहीं करा ना किसी ने, यार मैंने पढ़ाई नहीं करी ना यार वाली, यार तो कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढ लेते, अब मैं जब कंपनी में हूँ 5 साल के बाद मुझे लोग ही नहीं मिलते काम करने के लिए, मुझे मेरा मैनेजर बोलता है हायर कर दो लोगों को, मैं इंटरव्यू लेता हूँ लोग कैपेबल ही नहीं है, मेरे पास चार वैकेंसी मेरे अंडर खाली रहती है, मैं सोच रहा जब मैं वहां था तब मेरे को जॉब नहीं थी, जब मैं यहाँ हूँ मेरे पास लोग नहीं है काम करने के लिए, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है यार, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या है, क्योंकि उनका भी कोई डिजायर नहीं है, एक चीज और हार्डवर्क नहीं है, क्या चीज हार्डवर्क नहीं है, तो उनको करना चाहिए था इस चीज, लेकिन यार हार्डवर्क तो जॉब कर रहे हो आप कर ही रहे हो ना यार, वो आपके लिए हार्ड है, उनके पास राइट पाथ नहीं है,
नहीं लेके जा रही जिसकी जरूरत कंपनी को है, इसको अपन ऐसे समझते हैं। ये आपका टनल जिसमें आप एलकेजी में जाओगे और निकलते जाओगे, और ये कंपनी का प्लान। या भाई मिसिंग ब्रिज, अगर मैं आपको बोलूं इससे गुजरना है आपको, जो पर्सन ऐसे भी किया था, जो पर्सन ऐसे भी किया था, और कुछ पर्सन यहाँ पे जाके ड्रॉप आउट होकर बिजनेस भी कुछ भी कर सकते हैं, राइट, हार जाते हैं लाइफ से, वो बहुत सारे होंगे जो यहाँ से एग्जिट होते जा रहे हैं। जो ऐसे जा रहे हैं उनका गोल क्लियर है, राइट, उनको कोई गाइड कर रहा है, उनके लिए ब्रिज है यहाँ पर, नो इश्यूज। जो ऐसे जा रहे हैं जो वहां तक पहुंच रहे हैं, उनके पास ब्रिज नहीं है यार, उसमें ब्रिज होता तो उनकी जॉब पहले लग जाती ना बीटेक में, उनको ये ब्रिज बनाना पड़ कैसे बना रहे भाई, वो बैकआउट होता तो कर जाते ना, वो बना रहे हैं, पर बहुत सारे बैकआउट हो रहे हैं, मेनी पीपल आर बैकिंग आउट, इनकी जॉब है, बहुत सारे बैकआउट हो रहे हैं, जो 8-10 पहुंच रहे वो ब्रिज बना रहे हैं, कंपनी में तो 100 की रिक्वायरमेंट है, आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है, यहां से आ भी 1000 रहे हैं, ये पता नहीं कितने 900 तो इधर ही जा रहे, 50 इधर जा रहे, बच्चे कुछ 20-30 जो भी इधर इधर जा रहे हैं, तो 20 की कमी तो अभी भी नहीं है, वो 20 पता नहीं कहां से आएंगे, कोई 900 चाहिए, ये भी आप लोग भी हो सकते हो, मैं भी था, कोई भी हो सकता है। एम्प्लॉयमेंट हमेशा है, एटलीस्ट इन इंडिया अगर आप लोग न्यूज वगैरह थोड़ा बहुत देखते हो गए, सारा शेयर नीचे जा रहा है, यूएस का सब कुछ नीचे जा रहा है, स्टॉक्स वगैरह तो लेटेस्ट है, इंडिया का नीचे नहीं जा रहा है, यूएस में जॉब्स जा रहे हैं, लोग जॉब हो रहे हैं, छोटे पैकेजेस पर स्टार्ट कर रहे हैं, तो कम सैलरी पर, इंडिया में कुछ हो ही नहीं रहा है, क्यों रीजन है भाई, इंडिया पोटेंशियल है, फॉरेनर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको दिख रहा है यहाँ पोटेंशियल बहुत है, लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है, उनको एक माध्यम नहीं है, उनको एक गाइडेंस नहीं है, और उनका दिमाग इतना चल रहा है ना, वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को ओवरकम कर चुके हैं, वो यहाँ पर आके उनका दिमाग चल रहा है ना कि यार मेरे को यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं एक काम तो बिजनेस करता हूँ, जो उनका दिमाग उनको लेके जा रहे हैं वहां पर, लेकिन वो भी सक्सेसफुल है यार, नो डाउट, पर जज ही नहीं कर रहे किसी को, ये भी सक्सेसफुल है, बट उस समय आपका सर्वाइवल स्किल काम ही नहीं कर रहा, अगर आप लेट इट गो विद द फ्लो, आप कुछ ना कुछ उसके लिए ढूंढते रहो। मेरे इतने फोन आते हैं मेरे पास, मैं कुछ सजेस्ट करता हूँ लोगों को, कुछ भी थोड़ा कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जस्ट टू फिल दिस ब्रिज एंड यू आर जस्ट इन। तो लाइफ में कभी डिसअपॉइंट वाली होने वाली कोई चीज ही नहीं है मेरे हिसाब से, जितनी बार आप फेल हो गए आप उतना लर्न करोगे, यस ये मुझे लगता है ये मेरे साथ हुआ है, जितना लर्न करोगे आप उतना अच्छा एक्सपोजर होगा आपके पास, उतना स्किल्स होंगे आपके पास, बट आपको कंटिन्यूसली इसको सर्वाइव करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, इट्स सेम लाइक रनिंग नोज देन कॉफ देन फीवर, इवेंचुअली आप रिकवर हो जाओ, वीकनेस होगी आपकी, बट लॉन्ग टर्म की आपसे इम्यूनिटी होगी, राइट, हमेशा लड़ने के लिए, तो वो जरूरी है। आप लोगों से पूछते चलिए कि मुझे नहीं पता आप लोग कौन से कहां तक पहुंचे लाइफ के पॉइंट में, वो जो बनता था मे बी 12th 11th बहुत सारे स्टेजेस में देखे, आपका मोस्ट जब आपको लगा हो कि नहीं यार ये तो एंड ऑफ द वर्ल्ड हो गया, हमने क्या करूं, वो तो होगा राइट कि मेरा एग्जाम छूट गया, मैं दे नहीं पाया एग्जाम, बहुत छोटी छोटी चीजें होंगी ना, जो आप 10 साल के बाद बैठोगे आप खुद को भी सोचोगे कितना छोटी चीज थी, राइट, तो आपको कभी लगा कि मुझे ओवरकम करना है उस चीज को, या आप डिसअपॉइंटेड, बस यस सर, इसको दो चीजों में आपको चूज करना है, पहले पूछूंगा अगर आप ऐसे आपके साथ लाइफ में हुआ इतना डिसअपॉइंटेड, एक ग्रुप ऑफ पर्सन वो हो गया, दूसरा वो डिसअपॉइंट हुआ बट वो ठीक है नेक्स्ट डे को वो ग्रुप भी हो गया, तो डिसअपॉइंट होने वाले कितने लोग हैं, बोले यार, तो आप सब लोग ग्रुप बी में डिसअपॉइंट हुए देन आगे बढ़े, वेरी गुड, यही होना चाहिए एक्चुअली, मैं भी ग्रुप बी में था,
बट बहुत सारे मे बी आप लोगों को स्टिल गाइडेंस है सबका, बहुत सारे स्टिल मे बी आप लोग फ्रेंड्स होंगे, वो होंगे वो ग्रुप पे में होंगे, उनको सजेस्ट करिए, मतलब एज लॉन्ग एज की मोटिवेट करिए लोगों कि लाइफ ऑलवेज हैव समथिंग फॉर यू, बिकॉज हमेशा कुछ ना कुछ प्लान है आपके लिए, बिकॉज वो आपके अंदर आपके जीन्स लेवल तक है, उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते, वो अगेंस्ट द फिजिक्स है. Any questions? I think almost done. Sir, ऐसे आपने बोला था आपके पास 30 वैकेंसी हैं. आप इसमें से कुछ कुछ शॉर्ट टाइम डायरेक्ट वाले आए जो सीधे पढ़ रहे थे और कुछ लॉन्ग टाइम ऐसे होते हुए हैं. तो वो उसमें से आपके पास 30 वैकेंसी हैं और 50 लोग आए आपके पास और 50 अवेलेबल वैकेंसी के हैं. तो आप किन्हें चॉइस करोगे? देखो, ये तो उसकी जर्नी हुई, राइट? जब अपन लोग वैकेंसी के लिए चूज करते हैं ना, राइट, अगर मैं किसी कंपनी में बैठा हूँ, मुझे एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता, राइट? मुझे पता है मुझे उससे ये उठा के यहाँ रखवाना है. अब वो उसकी जर्नी में क्या रहा है वो उसका पर्सनल है, राइट? वो यहाँ तक आया है, इट्स गुड इनफ. वो डायरेक्ट आया, वो मैं मेहनत करके आया हूँ, मैं उसको उठा के वो यहाँ रख पा रहा है, मैं उसको जो भी इसके लिए कैपेबल होगा मैं उसको दे दूंगा. सिंपल फंडा ये होता है. अभी सिचुएशन क्या था सर, योग्यता मेरी 50 लोगों की थी ना. एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ. उसको उठाने के लिए योग्यता आपके हिसाब से 50 लोगों की थी, राइट? अगर मैं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, पता नहीं, हो सकता है 50 में से 50 की हो, बट मुझे तो 30 को ही देना है, राइट? तो उस केस में जो जो भी प्रोसीजर रहा होगा जिससे मैं उसको जज कर रहा हूँ कि ये उठा के रख पाएगा कि नहीं, आप उससे रैंक कर दोगे, क्योंकि आप उसकी जर्नी में क्या हुआ, इट्स वेरी हार्ड टू नो ऑल्सो, राइट? वो वहां तक पहुंचा, इसका मतलब वो उस चीज को क्रॉस करके आया ही. उसके बाद उसका क्या होगा, उसको अगर उनमें से जो 20 बच जाएंगे जिनका जॉब नहीं लगा होगा, राइट, वो उनको दूसरा जॉब भी मिलेगा, क्योंकि वो उसको चीज तो छोड़ेंगे ही नहीं. पर यहाँ पे से कोई डिमोटिवेशन भी तो होती होगी. डिमोटिवेशन अगर वो यहाँ तक पहुंचा, उसकी लाइफ में पहले ही इतने सारे होगा होंगे, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ. अगर वो यहाँ तक पहुंचा है, उसकी लाइफ में पहले ही कितने सारे डिमोटिवेशन हुए होंगे, तभी तो यहाँ तक पहुंचा है. अगर वो डिमोटिवेशन को लेके चलेगा तो कभी कब का बैकआउट मार दिया होगा, वो निकल गया होगा, समझ लो. ऑफ कोर्स ही बात है, अगर मैं अगर एज अ पर्सन अगर मैं किसी को चांस देना चाहूंगा और मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगी, डायरेक्ट बात है कि ये मेहनत करके हार्ड वर्क करके आ रहा है, और जो कंपनी इसके जनरली जो एग्जाम्स होते हैं या फिर जो इंटरव्यूज राउंड होते हैं वो जनरली पिक ही करते हैं कि वो हार्ड वर्किंग बंदा मिले उनको, समझ रहे हो? बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि जो मुझे जॉब मिला वो एक्चुअली बहुत अच्छा जॉब था, जो डायरेक्ट लोग आए थे उनसे मेरा बहुत अच्छा जॉब था, मैं इतने लोगों से मिला बाहर जाके, मेरे को इतने डिफरेंट कल्चर के बारे में पता चला, काम तो मैं कर ही रहा हूँ ना कंपनी के लिए, बट कंपनी को वो बंदा चाहिए था जो परेशान हो पाए, तो उनका एग्जाम ही सेट ऐसा था कि उनको वही बंदा चाहिए था जो ऐसे ऐसे होकर आ पाए, उनका ये नहीं था ये उठा के, तो उनको भी पता ऐसा रखते हैं. बट क्या मैं उसको 30 दिन तक रोज उठा के रख पाऊंगा, ये भी तो एक क्वेश्चन है. मैं 28 दिन बाद मैं बोल दूंगा बीमार हूं, रात नहीं रख पाऊंगा, फिर उनको वही बंदा चाहिए था जो ऐसे ऐसे करके आ रहा है, ये मुझे तब नहीं पता था. उन्होंने मुझे कैसे जज करा, तो एग्जाम दिया, उन्होंने मुझसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे, मुझे डिमोटिवेट करा इंटरव्यू में, और जॉब चाहिए अपन डिमोटिवेट नहीं होता. यस 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 सर, यस सर, एडवेंचुअली क्या हुआ उसके साथ, उसको बाद में पता चला, मुझे बाद में पता चला कि इसलिए लिया गया क्योंकि वो हार्ड वर्क था. जो जॉब्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप किस जॉब के लिए जा रहे हो, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है. हो सकता है उनको हार्ड वर्किंग चाहिए हो, तो उनका जो सेट होगा वो हार्ड वर्किंग पीपल को सिलेक्ट कर लेगा, उनको चाहिए कि डायरेक्ट बंदा आ जाए, कोई भी कर लेगा, वो किसी को भी पिक कर लेगा. रही बात जो 20 की जो डिमोटिवेट हुए होंगे, डेफिनेटली हुए होंगे, बट उनके पास दूसरी जॉब है, उस डिमोटिवेट उनके लिए कुछ है ही नहीं एक्चुअली, वो यहां तक इंटरव्यू दे पा रहे हैं उनके लिए वही मोटिवेशन है, क्योंकि डिमोटिवेट शायद नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए यार, क्योंकि आपके अंदर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है यार, समझ रहे हो? आप सर्वाइव कर ही जाओगे इस चीज से. ट्रेन छूट गई ना, दूसरी आएगी ना, तीसरी आएगी ना, आप लाइफ को उस वे में देखो ना. आप और मैं आज की बात बता रहा हूं, मेरे पास 30 वैकेंसी होती, मेरे पास 10 आते. दिस इज द मार्केट टुडे. वो मुझे भी लगता था कि यार ऐसा ही यार 4 लाख लोग हैं, जॉब में 40 हैं. मैंने जब गेट का एग्जाम दिया था, 2,52,000 इतने लोग बैठे थे, और मुझे IIT चाहिए था, मुझे 500 रैंक चाहिए था. Can you imagine कि 1% भी नहीं आ रहा होगा, मतलब point something जा रहा होगा. अगर मैं वही सोच रहा था कि यार ये तो नहीं कर पाऊंगा, 2.5 लाख तो सिर्फ 500 मैं नहीं ला पाऊंगा,
बट हुआ ना, क्योंकि उन 2.5 लाख में से 2.5 लाख 2,52,000 में से 2,50,000 से यही सोच रहे ना मैं नहीं ला पाऊंगा. आप ये चीज को कहां ले जाओगे? जैसे आपका जो क्वेश्चन है जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं भी ऐसे ही था. उन 20 का क्या होगा यार, तुम तो 30 ले लोगे. अब मेरी जो हार्ड वर्क है वो तो पेपर में दिखा नहीं सकता ना कि देखो मेरी जर्नी ऐसी थी, देख लो मजा आ रहा है, मैं ले लो इसको. ऐसा नहीं होता, वो आपके अंदर ही आता है यार, और वो आ जाता है, आपको भी नहीं पता चलेगा वो कब आ जाएगा. बट कभी अपने आपको डिमोटिवेट मत होने देना. लाइफ इज सो प्रेशियस, लाइफ बहुत जरूरी है. पर लाइफ को कुछ ऊपर नीचे अपन चल पा रहे हैं, खड़े हो पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं, भाई इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे तो आप सब कुछ कर सकते हो ना. आप उस चीज को सोचो, आप खड़े ही ना हो पाओ, आप रीड ही नहीं कर पाओ, आप देख ही नहीं पाओ, देन सब कुछ खत्म. अपन तो बहुत पावरफुल है, सब कर सकते हैं. अभी अपन कितने साल होंगे? 30 साल का हूँ, 24, 25, 22, 19, 18, राइट? कितनी लाइफ पड़ी है अभी तो. केएफसी वाले का सुना है? केएफसी वाला जो बुड्ढा, व्हेन ही स्टार्टेड हिज जर्नी, यू नो उसने कब डाला था केएफसी? कई पढ़ना उसके बाद, आई थिंक 45-50 समथिंग लाइक दैट. समझ रहे हो? आज से अगर मैं 20 साल का हूं, 35 साल का मतलब बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, वो उसको कहां तक लेके गया है? 55 की एज में, 45 की एज में उसका मोटिवेशन क्या होगा कि भाई मैं चल रहा हूं, खड़ा हूं, वही बहुत है, राइट? लाइफ एज इज नंबर, आपके बहुत टाइम है कुछ करने का. इट जस्ट मैटर कि आप अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हो कि आप अपने आप को एनर्जेटिक एनकरेज कर रहे हो. नहीं मुझे करना है, मुझसे आईडी क्यों नहीं निकला है? मेरे साथ यही था, मुझसे आईडी क्यों नहीं निकला है, मेरे फ्रेंड से निकल गया. जस्ट बिकॉज मुझे एक साल पहले नहीं पता था, गलत है ना, मैं मेहनत कर रहा हूं, आईडी भी निकालती. वो चीज सही है. आपकी बॉडी सोच रहा है यार 40 बैक्टीरिया आ गया, मैं तो 30 से लड़ पाऊंगा, अब क्या होगा मेरा? वो रनिंग नोज भी छोड़ दे, वैसे ही खत्म हो जाए. गलत है ना यार, आप बोले मतलब लड़ता हूँ, कोशिश तो करे यार, ये भी जीत जाए, राइट? वही लाइफ के साथ यार, सेम टू, बहुत इजी है लाइफ, बहुत इजी है, यू नो. कभी कॉम्प्लेक्स सोचो ही मत. और पता है जो होता है ना, यू लर्न फ्रॉम, आग नहीं जलेगी ना, पत्थर ढूंढोगे, जला लोगे, माचिस नहीं ढूंढोगे, यू विल फाइंड अ वे. सर मेरे को ये बताओ कि लाइफ में एक ही गोल लेके चलना चाहिए या दो, ऐसे डबल? मेरे को यार, मुझे डाउट होता है कि एक अल्टीमेट गोल आप दे सकते हो. मुझे पता नहीं, इतने कैपेबल अपन है ही नहीं यार. अपन लोग के गोल चेंज होते हैं. आपके साइंस में कम मार्क्स आएंगे, आप नेक्स्ट टाइम साइंस के लिए ज्यादा पढ़ाई करोगे, साइंस छूट कर दोगे लेकिन दूसरे में निकल जाओगे. आप ऐसा नहीं कहोगे कि मैं जिंदगी भर साइंस के मार्क्स लाऊंगा. अपन लोग इतना, मुझे नहीं लगता कि अपन लोग ऐसा पर्सन इतना दूर तक का सोच सकते हैं, एटलीस्ट इन दिस एज. नाउ मैं 30 में, आई कैन थिंक ओके मुझे नेक्स्ट 5 ईयर्स मुझे क्या करना है, नेक्स्ट 10 ईयर्स मुझे क्या करना है, राइट? जब मैं 20 का था मुझे नहीं पता था. तो गोल कुछ चीज नाम की चीज ही नहीं होती, गोल अपने आप बनता है. मुझे लगता है वो आपके अंदर से खुद से ही आएगा, आपको खुद ही लगेगा कि नहीं यार मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, या फिर मुझे सीए बनना है, मुझे गवर्नमेंट एग्जाम देना है, मुझे आईएएस बनना है. ये शॉर्ट टर्म गोल है, पता है? आईएएस बन गया फिर क्या, गोल खत्म हो गया, आप समझ जाओ, सो जाओ, नहीं ना उसको करोगे ना, आप गोल उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते यार. गोल क्या है? ये सबसे शॉर्ट टर्म होता है कि मुझे अपने 1-2 साल में क्या करना है. जितना शॉर्ट टर्म आपका, मेरा 5 साल का शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मुझे ये करना, राइट? उसके 5 साल बाद क्या, कुछ और बनाऊंगा. जब आप 20 ईयर्स के हो, 21 ईयर्स के हो, आप छोटे गोल देते हो, मुझे नेक्स्ट 1 साल में ये करना. आप उसको गोल बोल सकते हो, बट वो लाइफ का गोल नहीं रहेगा मेरे हिसाब से. वो एक अचीवमेंट है जो आपको चाहिए, एक माइलस्टोन है जो आपको रीच करना है. वो चेंज भी हो जाएगा. मैंने जीआरई तैयारी शुरू करा था, आईआईटी नहीं जाना था मुझे, मुझे जीआरई करना था. मैं सबको बोलता था मेरा गोल है मैं जीआरई करूंगा, मैं जर्मनी जाऊंगा, वहां से मैं ये करूंगा, सबको यही बोलता था. हुआ, देखो आईआईटी करने का मन हो गया, तो क्या गोल खराब हो गया क्या? नहीं, गोल खराब नहीं हुआ, वो एक शॉर्ट टर्म फीलिंग होती है. कभी ऐसा लॉन्ग टर्म गोल ही नहीं बनाना मुझे, मुझे नेक्स्ट क्या करना है मुझे वो पता होना चाहिए, और मैं उसके लिए सिंसियर हूँ. मेरा मोटिवेशन नहीं हिलना चाहिए, चाहे कितनी मुश्किलें आए मैं वो कर लूंगा. मुझे ये लगता है. और कुछ है?
Okay. Thank you.